ओ कृष्णा, कितनी गहराई है, देखिए कितनी ऊंचाई पे है हम। डर लग रहा है ना? डर लगता है। मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है, फिर भी इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अरे कृष्णा, जैसा कि आपने देखा, लोग अपनी जिंदगी के साथ कितने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और एक लेवल हाई क्या सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड यानी कि खुदकुशी, खुद की खुशी या परिवार वालों की खुशी, इसमें किसी की भी खुशी नहीं है। रिसर्च ऐसा बताता है कि जब इंटेंस इम्पल्स हो जाता है, जब माइंड इम्बैलेंस हो जाता है, जब खुद के डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं रहता, तब लगता है इस जीवन को समाप्त कर देना ही सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। पर क्या ये सही है? हम कैसे समझ सकते हैं? एक ऑस्ट्रिच जो है वो अपने मृत्यु के भय से जब दौड़ लगाता है, जब भागता है किसके, चीता के डर से, तो वो क्या करता है, कुछ दूर भागते 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 रेत में अपना सर छुपा लेता है। इससे उसे ऐसा लगता है कि अब मैं बच गया, क्योंकि मैं चीता को नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि चीता भी मुझे नहीं देख पा रहा है, चीता भी उस ऑस्ट्रिच को नहीं देख पा रहा है। चीता भागते हुए आता है, ऑस्ट्रिच को दबोच देता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। सुसाइड भी कुछ इस तरह से है। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन का अंत कर लिया, इससे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। नहीं, ये एक हमारा सिर्फ सोच है, ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, जीवन जो है, जीवन में तो सुख दुख आने जाने हैं। क्या आप दुख की चाह या कामना करते हैं? फिर भी दुख आते हैं ना। इसी तरह सुख भी आएंगे ही, पर हम जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर एम्बिशियस बना देते हैं उस सुख की कामना से, उस सुख की कामना करते हुए, कि फिर हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करने लगते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगम पाइनो नित्य तम तितिक्षा स्वभारत। ये जो सुख दुख है, ये ग्रीष्म ऋतु या जो फोर सीजन्स हैं, गर्मी ठंडी बरसात वगैरह, इसकी तरह आते जाते रहेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। जैसे आपने कभी अपना हार्ट बीट चेक किया हो, तो हार्ट बीट कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है या स्ट्रेट चलता है? हार्ट बीट जो है ऊपर नीचे चलता है। इसका मतलब क्या? आप जीवित हैं। यदि हार्ट बीट की लाइन स्ट्रेट हो गई, मतलब समाप्ति। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, पर क्या इन उतार चढ़ाव से हमें दूर भाग जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मृत्यु। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं हम, यदि किसी कैदी को 10 साल की जेल मिली है, उस 10 साल की जेल की जो टाइम पीरियड है, वो 2 साल में ही कुछ करके, कुछ तिक्रम लगा के जेल से भाग निकला, जेल तोड़ के भाग निकला, और कुछ समय बाद पुलिस ने वापस उसे पकड़ लिया। अब होगा क्या? 8 साल जो बचे हैं वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, पर जो जेल तोड़ने की जो सज़ा है वो और एक्स्ट्रा उसे मिलेगी। इसी तरह प्यारे मित्रों भक्तों, जैसे 80 साल की कोई उम्र लिखवा के लेके आया है और 25, 30, 35, 40 साल में, समझिए 40 साल में उसने आत्महत्या कर ली, तो बाकी के 40 साल क्या होगा? बाकी के 40 साल उसे प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा, उसे कोई शरीर नहीं मिलेगा, उससे बड़ी यातना कोई नहीं है। अपने कर्मों को भुगतने के साथ साथ वो भटकता रहेगा पूरे 40 साल, और 40 साल के बाद जब उसे एक योनि मिलेगी, चाहे वो मनुष्य की हो या जानवर की हो या पेड़ पौधे की हो, वो कैसी मिलेगी उसका पता नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण भी ये बताते हैं कि टॉलरेंट, हमें टॉलरेंस होना चाहिए, हमारे अंदर चीज़ों को समझने की और उसे अपने अंदर उतारने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सिचुएशन आई तो बहुत खुश होके उछलने लगे और जब दुख आया तो हार के बैठ गए। हमें मध्यम मार्ग लेना पड़ेगा। इस मध्यम मार्ग से क्या होगा
इस मध्यम आग से यह होगा कि हम जीवन की विषम परिस्थितियों को इजीली संभाल के चल पाएंगे। अच्छा ये बताइए, यदि पैसा ही सब चीज़ का इलाज है तो अमीर लोग क्यों सुसाइड करते हैं और गरीब लोग तो दो वक्त की रोटी खा के भी बड़े खुशी से रह रहे हैं? इसका मतलब पैसा हर एक चीज़ का इलाज नहीं है। सो इलाज क्या है? हमें समझना पड़ेगा कि दो तरह के सुसाइड्स होते हैं, एक मटेरियल सुसाइड जो ऑफ कोर्स लोग करते हैं, एक स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअल खुदकुशी ये तो हम तो पहले सुना नहीं हमने। जब एक मनुष्य जीवन पाके भी भक्ति ना करें, भगवान कृष्ण को अर्पित ना हो, इस जीवन के अमूल्य धरोहर को यूं ही वेस्ट करें, भगवान का संदेश भगवद गीता ना पढ़े, तो ये जीवन का स्पिरिचुअल सुसाइड है। और आजकल हम जो देख रहे हैं ड्रग्स, माय गॉड, सेलिब्रिटीज, आई डोंट वांट टू नेम देम, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पूरे ड्रग का माफिया है, क्या वो हमारे आइडल्स हैं? नहीं, साधु महात्मा दे शुड बी आर आइडल्स, उनको हमें अपना आइडल मानना चाहिए, जो भगवत भक्ति का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो हमारे आइडियल होने चाहिए, ना कि ये जो ड्रग्स लेने वाले हैं और जो नाइट क्लब में डांस करते हैं वो वाले। आज एक 18 साल 15 साल 20 साल का युवक यदि भगवत गीता पढ़ता है तो उसके बड़े उससे बोलते हैं ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, और वही युवक यदि पिक्चर देखने जाए, मैच देखने जाए तो बड़ा आनंदित होते हैं। ये सही नहीं है, ये हम स्पिरिचुअल सुसाइड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेरी नम्र प्रार्थना है कि इस स्पिरिचुअल सुसाइड और मटेरियल सुसाइड को हमें रोकना चाहिए। यदि किसी का कोई प्रश्न है उसे सॉल्व करना चाहिए। इस्कॉन सेंटर्स हैं, बहुत हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे, जहाँ पे जाके भक्तों से विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे प्रश्न उत्तर करने चाहिए, ताकि हम जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और यूं ही हमारे जीवन को व्यर्थ ना करें। एक बार गले में डालने से पहले इसे डाल के देखिए। शास्त्र कहते हैं टू एवरी मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। श्री प्रभुपाद जी से चैंट एंड स्टे हाई फॉरएवर। ये जो ड्रग्स वर्ग्स है इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम के लिए आप हाई रहते हो, देन अगेन यू फॉल बैक। चैंटिंग हरे कृष्णा मेक्स यू स्टे हाई फॉरएवर। कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं लाइफ में, पैसे का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का प्रॉब्लम, समय नहीं है इसका प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। टेक श्रीमद् भगवद गीता एंड जस्ट रीड थ्रू इट। श्रीमद् भगवद गीता हैज ऑल द आंसर्स, चैंटिंग हैज ऑल द आंसर्स। सो इट्स काइंड रिक्वेस्ट, बिफोर ट्राइंग एनी ऑफ दिस प्लीज ट्राई दिस एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon not to miss any update.